नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सुराज टीवी और मैं हूं तान्या और आपका वेलकम है प्रोग्राम फिल्मी ऑपरेशंस में। और बात करेंगे रिलीज हुई फिल्म आर्टिकल 370 की। जी हां, इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और यामी गौतम और प्रिया मणि ने शानदार रूप दिखाया इस फिल्म में। इस गहन कथा को चलाने वाली दो शक्तियों के रूप में यामी गौतम और प्रिया मणि स्टारर ये फिल्म अधिकांश भाग में आपको सूचित, शिक्षित और निवेशित रखती है हर उस व्यक्ति के लिए जो आर्टिकल 370 का क्या मतलब है, इसके अस्तित्व और निरस्तीकरण के बारे में अस्पष्ट रूप से जानता है, लेकिन वास्तव में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। ये 2 घंटे 30 मिनट की फिल्म एक प्रभावशाली ढंग से वर्णित अध्याय से कम नहीं है। आर्टिकल 370 न केवल घटनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा है बल्कि ये दिखाने के लिए उनका विवरण भी देता है कि कैसे कश्मीर में बेकाबू हिंसा ने वर्तमान सरकार को जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को खत्म करने के लिए बढ़ावा दिया। मुझे अच्छा लगा कि निर्माताओं ने प्रभाव डालने के लिए देशभक्ति की घिसी पिटी बातों का सहारा नहीं लिया बल्कि एक अच्छी कहानी बताने के लिए एक कठिन कथानक को चुना। आदित्य धर और मोनाल ठाकुर द्वारा लिखित फिल्म कुछ शक्तिशाली प्रदर्शनों के दौरान शो को चुराने के बावजूद अपनी कहानी को अधिकतम रन टाइम तक हीरो बने रहने की अनुमति देती है। सो ओवरऑल बात करें तो आर्टिकल 370 में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप एक रियल स्टोरी देख रहे हैं और स्टोरी में इतना दम है, कंटेंट में इतना दम है कि आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। और इसी के साथ दैनिक सवेरा टाइम्स न्यूज एंड मीडिया नेटवर्क इस फिल्म को दे रहा है 5 में से 4.5 स्टार। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर देना और बने रहे दैनिक सवेरा टीवी के साथ।